इस राज्य में शांति विकास लाने का उनका संकल्प होते हुए भी वो प्रयास भी आज विफल होना पड़ा। हमारे कारण नहीं, बीजेपी के कारण नहीं, पर पीडीपी के नेता आज फिर आपके पास वोट मांगने के लिए जो आ रहे हैं उनके अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते ये दूसरा प्रयास भी विफल हो गया। आज मित्रों फिर हम कह रहे हालत खराब है, हालत खराब करने वाले ये लोग हैं, इनको तो सत्ता चाहिए, इनको आपका हित नहीं चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, मोदी जी का संकल्प है तो कल मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि आर्टिकल 370 और 35A की वजह से स्टेट जो है लॉस में है, आज महबूबा मुफ्ती ने रिएक्ट किया, वो कह रही है कि तो कश्मीर कश्मीर को छोड़ देना चाहिए अगर उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर जो है लॉस में है 370 की वजह से। हिंदुस्तान का कश्मीर एक अविभाज्य अंग है, किसी बाप की माँ की जागीर नहीं है। हमको कह दे कि छोड़ दे, छोड़ के चले जाए, किसी की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये समझ ले। ये भाषण, ये बातें, ये भाषा लोग बदले, इनको अभी भी लगता है इनके बाप जादे की ने परिवार की जमीन या जायदाद है, ये नहीं है। ये हिंदुस्तान के करोड़ों भारतवासियों का शान है, हिंदुस्तान का अविभाज्य अंग है। तो लगातार जो है आप आर्टिकल 37 को रिवोक करने की कोशिश बात कहते हैं, जो पीछी बार जो है वो पॉलिटिक्स कर रही है, कभी 3500 कभी 370 पे, लेकिन अमित शाह जी ने भी कहा है कि 220 में इसको हटा देंगे। क्या वो सियासी चीज पर मबनी है या एक फैक्ट है? और इसे एलिनेशन नहीं लग रहा आपको? हमारे पार्टी का इस विषय पर का स्टैंड क्लियर है, पर ये जो भी निर्णय होगा पार्लियामेंट के अंदर होगा, पार्लियामेंट मिलकर जो भी निर्णय करेगी उसकी प्रतीक्षा करें। आज की चुनाव में हम विकास के मुद्दों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, बाकी सारे मुद्दे यथोचित स्थान पर होगा। सर ये बताइए कि अगर रिवोक करना था तो 2014 में बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज क्यों किया? 2014 में बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज क्यों किया? जो हमारा नेशनल हाईवे है उसकी वजह से कभी ऑन द वे करोड़ों थाउजेंड्स ऑफ रुपीज जो इन शेप ऑफ मटन वेजिटेबल्स फ्रूट उसकी वजह से जो भी मेजर्स राज्य सरकार ने लिया है, मैं जानता हूँ जहाँ तक मेरी जानकारी है कुछ टेम्पररी मेजर्स है, यहाँ की परिस्थिति हालात के चलते कुछ मेजर्स लिए होंगे, वो सब टेम्पररी होंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी इस राज्य में स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, असेंबली के लिए भी चुनाव संपन्न होंगे और लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार बहुत जल्दी इस राज्य में फिर से वापस आएगी। वाजपेयी लाइन जो आप लोग कह रहे हैं वही जो लाइन हम सबका है, इंसानियत का, कश्मीरियत का, जमहूरियत का जो लाइन है वही लाइन हम सबका है, उसी लाइन पर हम चलेंगे, विकास की राजनीति हम करेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा आज के दिन में, विकास की राजनीति के लिए बड़ी बाधा यहाँ के रीजनल पार्टीज बन गए हैं। जल्दी संभव हो, जब यहाँ चुनाव करने की अच्छी परिस्थिति जब भी हो, जल्दी से जल्दी यहाँ असेंबली के चुनाव किया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर सही समय चुनाव कराने का निर्णय जल्दी ले लेगा, राज्य को अच्छी दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे, विकास केंद्रित राजनीति यहाँ लाएंगे। उसके लिए यहाँ मिलिटेंसी को समाप्त करना होगा, क्योंकि बगैर शांति के विकास हो नहीं सकता है। शांति चाहिए तो मिलिटेंसी समाप्त होना है, इसलिए हम यहाँ से जनता से भी अपील कर रहे हैं, मिलिटेंसी को आप पूरी तरह समाप्त करने में हमारा साथ दो, मिलिटेंसी समाप्त होगी, विकास आगे बढ़ेगा।